एशिया कप से बाहर हो चुकी पाकिस्तान टीम को एक और बड़ा झटका लग सकता है। वनडे वर्ल्ड कप से पहले मुश्किलों में फंसे बाबर आजम। नसीम शाह ने बढ़ाई है बाबर आजम की टेंशन। भारत के खिलाफ मुकाबले के दौरान नसीम शाह के कंधे पर लगी थी चोट। चोट के चलते वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआती मैच कर सकते हैं मिस। इस बात की जानकारी बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के बाद दी है। पाकिस्तान के लिए बेहद ही अहम खिलाड़ी नसीम शाह एशिया कप से पहले ही बाहर हो चुकी है पाकिस्तान की टीम। करो या मरो मुकाबले में श्रीलंका के हाथों 2 विकेटों से मिली शिकस्त। 5 अक्टूबर से हो रही है वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला।